नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको स्टडी विद योगेश में। आज का वीडियो में टॉपिक है मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। तो आपको ट्रिक के साथ बताया जाएगा दोस्तों। वैसे तो इनको याद करना बहुत कठिन होता है और हो भी जाते हैं तो भूल जाते हैं। इसको यदि एक कहानी के माध्यम से याद किया जाए तो शायद लंबे समय तक याद बने रहते हैं। तो दोस्तों मैं ट्रिक बताऊँगा, वो फनी भी हो सकती है, हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, लेकिन क्या, अगर याद करना तो ज़रूरी है तो माइंड मत कीजिएगा, बस याद करना है आपको, याद कीजिएगा। तो मूल अधिकार के बारे में थोड़ा बेसिक पॉइंट जानते हैं। सबसे पहली बात, एक तो ये अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों में अंतर है। मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं। भाग 3 में लिया गया है। बात की जाए तो कौन से भाग में मौलिक अधिकारों की बात कही गई है, तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। भाग 3 के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 12 से 35। ठीक, अनुच्छेद 12 से 35 आते हैं भाग 3 के अंतर्गत, और इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा। प्रश्न बनता है मैग्ना, भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 के अनुच्छेदों को कहते हैं मैग्ना कार्टा, या भाग 3 को कहते हैं मैग्ना कार्टा। क्यों? क्योंकि भाग 3 के अंतर्गत ही 12 से 35 अनुच्छेद हैं, और 1235 अनुच्छेदों को ही मैग्ना कार्टा कहा गया है। और 1235 अनुच्छेद यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात कही गई है, मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। अब प्रश्न बनता है कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। अब कितने बचे? 6। अब बात करती है मैग्ना कार्टा क्या है, ये प्रश्न बनता है। तो मैग्ना कार्टा क्या है? वास्तव में ये ब्रिटेन से आई हुई एक अवधारणा है। सबसे पहले ब्रिटेन के राजा द्वारा मजदूरों को कुछ अधिकार दिए गए थे, उन्हीं अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय हुआ, अधिकार से संबंधित बात को मैग्ना कार्टा से जोड़ दिया जाता है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 को भाग 3 को भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक, भाग 3 की बात कही गई है, अमेरिका से लिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35। ठीक, ये तो होगी बेसिक बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 12 से 35 यानी कि हमारे जो अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार। एक नोट पॉइंट लिखिए, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन में? 44वें संविधान संशोधन में। कौन से सन में? 1978 में। इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी पहले ये हमारा मौलिक अधिकार था, हम कितनी भी संपत्ति रख सकते हैं, लेकिन बाद में लगा कि इस अधिकार का हनन हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसे कहाँ रख दिया गया? 301 के अंतर्गत रख दिया गया। ये नोट पॉइंट है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला है समानता या समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पाँचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, छठवां था जो अब नहीं है यानी कि संपत्ति का अधिकार, और सातवां संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अब देखिए, पहला जो है समानता का और समता का अधिकार, 1418 में अनुच्छेद 1235 में मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। तो 14 से शुरू हो जाइए, 14 से 18 तक समानता समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 1922 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक, अब शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 तक है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक है। अब 31वां नहीं था रहा इस समय, हटा दिया गया जो था संपत्ति का अधिकार, इसको आपको लिखना नहीं है, बस इसको याद नोट कराया गया है। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अब विस्तार से इनको याद देखते हैं और फिर करते हैं याद। तो पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब देखिए अनुच्छेद 14 में क्या बात कहा गया है, विधि के समक्ष समानता, कानून की नज़रों में सब समान, अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन, स्थान आदि पर भेदभाव करने से रोक, ये अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में क्या वर्णन है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात सरकारी नौकरियों में समानता। 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत, और अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। अब करते हैं इनको याद, कैसे करेंगे याद? देखिए आप बस याद करिए 14, एक कहानी की तरह याद करिए इसको। 14 यानी कि 2 सप्ताह है, 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 14 दिन। तो अब देखिए इस समय कोरोना की बीमारी चल रही है,
और कोरोना जिसको होता है 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अब करिए, यहाँ से याद करना शुरू करिए। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, कानून की नज़रों में सब समान। भैया एक व्यक्ति था, वो रास्ते में जा रहा था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। उसने कहा पकड़ो साले को, इसको चेक करो, उसको कहीं कोरोना तो नहीं है। तो देखा उसको कोरोना है, उसको कोरोना निकल आया। तो उसे कह दिया भैया तुम्हें 14 दिन के लिए रखा जाएगा, अब 2 सप्ताह के लिए रखा जाएगा। हाँ भैया तुम्हें कोरोना है, 14 दिन तक तुम्हें रखा जाएगा क्वारंटाइन में। और कहा गया कि कानून की नज़रों में सब समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, विधि के समक्ष समानता। यानी अनुच्छेद 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा जाता है, ये तो आप जानते ही जानते हैं। तो बस ऐसे याद रखिए, अब क्रम से याद होते जाएंगे और एक एक दिन आप जोड़ते जाइए कहानी में। 14 दिन के लिए जब उसे क्वारंटाइन कर दिया गया और कहा गया कि कानून के समक्ष सब समान है, कानून की नज़रों में सब समान है, विधि के समक्ष समानता, तो अनुच्छेद 14 हुआ कानून के नज़रों में सब समान, विधि के समक्ष समानता। अब 15वें दिन क्या हुआ, पुलिस वाले आए और उससे पूछा गया भैया तुम्हारा धर्म क्या है। उसका भाई उसका धर्म पूछा गया, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ हुआ था, आदि पर भेदभाव करने से रोक, ये अनुच्छेद 15 है। तो यानी कि 14 दिन के लिए उसको क्वारंटाइन किया गया और 15वें दिन जब आए, यानी कि अगले दिन यानी कि 15वें दिन, तो उससे धर्म जाति और स्थान पूछा गया। यानी कि अनुच्छेद 15 धर्म जाति और लिंग की बात करता है, भेदभाव करने से रोक। अब अनुच्छेद 16, भैया 15वें दिन आए पूछ गए, 16वें दिन आए और उससे पूछ गए क्या भैया तुम सरकारी नौकरी करते हो, लोक नियोजन में तुम काम करते हो, उससे पूछा गया। तो अनुच्छेद 16 हो गया कि सरकारी नौकरियों में समानता, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 देखिए, अभी एक दिन फिर जोड़ दिए, 16वें दिन आए उससे पूछा गया क्या भैया तुम नौकरी करते हो, लोक नियोजन में काम करते हो, तो उसने कह दिया नहीं मैं नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, मैं तो एक आम आदमी हूँ। तो अनुच्छेद 17वां यानी कि 17वें दिन आए उससे छुआछूत जैसा भेदभाव किया गया, भैया तुम तो गरीब हो, तुम हमसे दूर रहो। ऐसा होता है ना कि अमीर आदमी होते तो कहते हैं भैया अरे अपना आदमी, अपना आदमी, अपना भाई, और गरीब का तो कोई भाई नहीं होता है। तो वही बात कही गई है कि अस्पृश्यकांत यानी छुआछूत कांत। अब यहाँ छुआछूत याद रखिए, यानी 17वें दिन आए और कह दिया भैया इससे सब दूर रहना, ये इसको कोरोना है, इससे सब दूर रहना। यानी 17वें दिन आया और सबको ऐलान कर दिया कि इस व्यक्ति से सब दूर रहना। और 18वें दिन आए बोले देखो तुम्हें कोरोना है, इसीलिए हम सब तुम्हारी उपाधियों का अंत करते हैं जब तक तुम्हारा कोरोना सही नहीं हो जाता है। यानी कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात कही गई है। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, यानी कि 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया, यानी कि कानून की नज़रों में सब समान, यानी कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। 15वें दिन आए और धर्म जाति लिंग स्थान पूछा गया, और यानी कि अनुच्छेद 15 बात करता है धर्म जाति लिंग स्थान के से भेदभाव करने से रोक। अनुच्छेद 16वें दिन आए और उससे कहा गया क्या भैया तुम नौकरी करते हो, अनुच्छेद 16 में नौकरियों में समानता, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यकांत, 17वें दिन आए उससे कह दिया भैया ये नौकरी वोकरी कुछ नहीं करता, इससे दूर रहना, इसको कोरोना है, छुआछूत। ठीक, तो छुआछूत के अंत की बात कही गई है 17 में। अनुच्छेद 18 में कहा गया भैया 18वें दिन आए और कहा गया तुम्हें कोरोना है, तुम छुआछूत तुमसे रखा जाएगा और तुम्हारी सब तब तक के लिए तुम्हारी सभी उपाधियों का अंत किया जाता है। ठीक, अब आते हैं दूसरे अधिकार के। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अब देखिए अब 14 दिन हो गए, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया, 15वां दिन हो गया, 16वां दिन हो गया, 17 हो गया, 18वां। अब आता है 19वां दिन। 19वें दिन उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में बात कही गई है। तो भैया देखिए वो किसी तरीके से वहाँ से स्वतंत्र हो गया, भाग निकला। हाँ भैया उसको कोरोना था, उसको जो है जाति धर्म के आधार पर उसे कह दिया गया कि छुआछूत रखेगा, उसकी उपाधि को अंत कर दिया गया। 19वें दिन वो भाग निकला किसी भी तरीके से, यानी कि स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो गया यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब 20वें दिन क्या हुआ कि अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में उसे संरक्षण में ले लिया गया, यानी कि 20वें दिन पुलिस ने उसे फिर पकड़ लिया, फिर गिरफ्तार कर लिया और अपने संरक्षण में ले लिया और अपराध कह दिया कि तुम अपराध के दोष में तुम्हें संरक्षण दिया जाता है पुलिस का, यानी पुलिस के संरक्षण में अब तुम आ गए। तो अनुच्छेद 20 यानी कि अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 20वें दिन उसको फिर से पकड़ लिया गया। अनुच्छेद 21वें दिन उसे बताया गया, उसने पूछा भैया मैं कहाँ पकड़ा गया, तो उसने कहा तुमने किसी का प्राण ले लिया है, यानी कि प्राण ले लिया का मतलब यानी तुम्हें कोरोना था और कोरोना था और तुम किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आए, अब उसकी जान उसका दैहिक उसका प्राण खतरे में आ गया, इसलिए प्राण और दैहिक के तहत तुमको जो है फिर से कर लिया गया और पुलिस के अधिकार में ले लिया गया, फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 22
गिरफ्तारी से संरक्षण, और 22वें दिन कहा गया अब तुम्हें हमेशा के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाएगा, अब तुम हमेशा के लिए गिरफ्तार रहोगे, अब तुम्हें बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलेगी। पहले तो तुम्हारा कोरोना सही हो जाता तो छोड़ देते, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुमने दूसरे की जान लेने की कोशिश की है, तुम दूसरों के संपर्क में आए हो। तो दोस्तों ऐसे इसको याद रखिएगा अनुच्छेद 22। एक बार फिर से देखिए, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया, 15 दिन उसके लिंग जाति पूछा गया, 16वें दिन फिर आए, फिर 16वें दिन आए, फिर उसके नौकरी के बारे में पूछा गया, फिर उससे छुआछूत कह दिया गया, उसे दूर रखिएगा, दूर रहिएगा, छुआछूत मनाइएगा, फिर उसकी सारी उपाधियों को बंद कर दिया 18वें दिन, फिर 19वें दिन उसकी वो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया, फिर 20वें दिन फिर उसको पकड़ लिया गया दो सिद्ध में, फिर उसको 21वें दिन प्राणी दह स्वतंत्रता के तहत उसको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, तो इस तरीके से फिर 22वें दिन उसको पूरे हर हमेशा के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण मिल गया। तो ये थी ट्रिक। अब देखिए एक नोट पॉइंट है 21A, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भैया हम कर रहे हैं BTC और हमें करना है, हम शिक्षा के अधिकार जानना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पढ़ाना है बच्चों को, तो ये इसीलिए टेस्ट सीटेट सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब 21A में है क्या? 21A में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना, और इसे कब जोड़ा गया? 86वां संशोधन में 2002 से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86वां संशोधन में 2002 से जोड़ा गया। कौन से, क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A। क्या है इसमें? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना, ये है। तो देखिए आपको 2 के बारे में विस्तार से बताया है, अगले वीडियो में आपको बाकी जो 4 रह गए अधिकार, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध और संस्कृति शिक्षा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बाकी अगले वीडियो में इसको Part 2 में मिलेगा। इस वीडियो में इसलिए नहीं दिया क्योंकि फिर भूल जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है, और थोड़ा थोड़ा याद करिए, भले ही कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, कॉन्सेंट होकर पढ़िए। ठीक दोस्तों, तो अब मिलता है दोस्तों अब मिलता है आपको एक प्यारा सा चैलेंज, तो बताइए कुछ खट्टा कुछ मीठा बताइए, इस वीडियो के ट्रिक के बारे में आपका क्या विचार है? समझ में आ गया और बनाइए, समझ में नहीं आया इसे बंद कीजिए, कुछ नहीं कहना, या डी आपकी मर्जी, बताइए, ज़रूर इसका उत्तर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के मौलिक अधिकारों के साथ, और धन्यवाद साथियों, जय हिंद।